है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे को प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ऐसी वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है मैं गरीब हूँ। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। और ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन आया है, जो ये पहले नहीं था। उस टाइम पे मैं एक बोया का माइक यूज करता हूँ, आज भी इसे यूज कर रहा हूँ। ये भी वीडियो में इसी बोया के BY-M1 बोया का माइक है, तो उसी को मैं आज भी यूज कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मैंने अभी पहली बार ये माइक्रोफोन मंगाया है, क्योंकि ये काफी सस्ता लगा मुझे, मैंने इसलिए मंगाया। और तो काफी काफी महंगे होते हैं। अभी हम इसके अंदर देखेंगे क्या क्या खास बात है, क्या क्या है इसके अंदर, फिर बाद में बताएंगे हम आपको इसका प्राइस कितना है और कैसे मिलेगा आपको। दोस्तों ये देखो किस तरीके का एक डिजिटेक का माइक्रोफोन का सिस्टम के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या फीचर है, क्या क्या नहीं है। इसके ऊपर जो सारे डब्बे पे प्रिंट है, प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, मॉडल नंबर है इसका दोस्तों DWM-101। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या क्या फीचर है। 2.4G वायरलेस है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग है, अल्ट्रा क्लियर साउंड है, और इसके अंदर 360 साउंड कैप्चर, मिक्सिंग साउंड, और दोस्तों लास्ट में इसमें दे रखा है डिस्टेंस अप टू 30 मीटर। मुझे जो बताया था इसके अंदर 20 मीटर बताया था, 20 मीटर होगा, लेकिन इस पे लिखा 30 मीटर। मैं समझता हूँ अगर 6-7 मीटर भी होगी, 5 मीटर भी होती है तो बहुत होती है 5 मीटर की, क्योंकि इतनी दूर से कोई ज्यादा करता नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलते हैं एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं। खोल कर चेक करते हैं दोस्तों, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं अभी हम। और देखिए कितना प्यारा पाउच निकला है दोस्तों, ये देखो आप, ये वाटरप्रूफ पाउच है और इतना बढ़िया, कैरी करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। बैग के अंदर आप इसे डाल के लेके जा सकते हैं, कितना बढ़िया। और ये देखिए बड़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है, अंदर कैसा सिस्टम है अभी हम देखते हैं दोस्तों। हमने यूज नहीं किया पहली बार, ओहो वाह भाई वाह, ये अभी हमने खोल के चेक किया था। तो इसके अंदर ये देखिए आप, 2 ट्रांसमीटर हो गए और दोस्तों ये देखिए आप, एक रिसीवर हो गया। अभी हम इसको ऑन करते हैं इसके साथ, पहले ऑन करने से पहले दोस्तों अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या और मिलता है। देखो एक तो ये है, 2 फुई फुई सी है यार, ये क्या है, रोई रोई सी फुई फुई सी, जो ये माइक के ऊपर लगाने की दोस्तों, ये देखो ये माइक के ऊपर लगाने के लिए है, लेकिन इसको तो अधिकतर बहुत कम यूज करते हैं। इसके अंदर ये देखिए आप, Type-C to Type-C ये केबल है इसके अंदर। एक ये देखिए Type-C to Lightning, मतलब आईफोन के लिए है दोस्तों ये केबल इसकी। ये कैमरे के लिए, इसके ऊपर देखिए कैमरा लिखा हुआ है, ये फोन के लिए दोस्तों। ये है इसके अंदर 2-in-1, कोई भी दो डिवाइस इससे चार्जिंग कर सकते हैं दोस्तों। और ये है इसके अंदर एक यूजर मैनुअल। पहले अभी हम इसकी एक, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी पिन्नी लगी हुई है, इसको हम छुड़ाते हैं। ये ट्रांसमीटर पर है, वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया क्वालिटी का है देखो यार। रिसीवर है ये, क्या प्यारे प्यारे पीस निकले इसके अंदर। तो दोस्तों अभी हम देखो इसको ऑन करते हैं यार। देखो एक रिसीवर हमने सबसे पहले ऑन किया, ये ट्रांसमीटर ऑन किया, और ये ऑटोमेटिकली अपना पेयर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए जल गई लाइट, ये लिंक हो गया इससे, ये दोनों इससे लिंक हो चुके हैं। अब इसकी हम आपको साउंड भी सुनाते हैं, साउंड कैसी है इसकी। तो दोस्तों अब जो आवाज ये सुन रहे हैं, ये हमारे डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम DWM-101 की आवाज सुन रहे हैं दोस्तों। ये अभी आप, अब ये आवाज फुल आवाज है, इसमें थोड़ी आवाज फटती है, लेकिन थोड़ी आवाज कम करने पड़ेगी, वॉल्यूम कम करो थोड़ी सी देखो। तो दोस्तों अब ये देखो, ये वॉइस कम करनी पड़ती है, वॉल्यूम कम करना पड़ता है, तब ये जाकर आवाज ठीक होती है, जो ये बहुत ही अच्छी फीचर है इसके अंदर। ये मोड अच्छा मोड है इसके अंदर, अगर आप तेज आवाज रखना चाहते हैं उसमें आवाज थोड़ी फटती हुई है, थोड़ी सही नहीं, लेकिन इसके अंदर अच्छी बेस आती है। तो दोस्तों इसके अंदर फीचर काफी सारे अच्छे फीचर हैं, कई फीचर है इसके अंदर। जैसे एक तो इको मोड है, इको मोड से मैं दबाता हूँ, देखो इसे इको मोड पे, इसके अंदर एक बटन एक होता है, लाइट होती है, और ये लाइट जल चुकी है। अब ये देखो कैसी आ रही है इको आवाज की, सही आ रही आवाज इको। अब मैं इको मोड हटाता हूँ, देखो दोस्तों ये हट चुका है। तो दोस्तों अब ये वॉइस कैंसिलेशन है, अब ये दूसरा मोड है इसके अंदर। ये बहुत अच्छा फीचर है, जो कि बहुत अच्छी आवाज हो जाती है, क्योंकि आसपास की आवाज भी नहीं आती है, और ना बहुत बोर हो जाता है इंसान, क्योंकि एक वीडियो के लिए बहुत अच्छी आवाज होनी चाहिए। अगर कोई न्यूज के लिए बना रहा है, कोई शादी ब्याह के लिए कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो दोस्तों उसमें भी काफी वॉइस आती है इधर उधर की, उसको कैंसिलेशन करने के लिए बहुत जरूरी है चीज। ये फीचर अच्छा हुआ, ये अच्छा फीचर है इसके अंदर। और दोस्तों इसकी क्वालिटी पे ज्यादा महंगा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर एक फीचर और बहुत बढ़िया है, इसके अंदर एक ब्लूटूथ है, हम ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो हम गाना बजाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं आपको इसके अंदर एक गाना बजाकर दिखाता हूँ उसकी किस तरीके की क्वालिटी आती है, आप चेक करो। तो दोस्तों अभी मैंने इसको ब्लूटूथ से पेयर कर लिया है, अब इसकी आवाज सुनना जो मैं इसके अंदर साउंड बजाने वाला हूँ। हालांकि मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही है, आप सुन रहे होंगे आप। तो दोस्तों ये देखो कितना अच्छा फीचर, कोई वायर नहीं लगा हुआ इसके अंदर, ये सिर्फ केवल वायरलेस मतलब ब्लूटूथ से हमने इसको कनेक्ट कर रखा था। मैंने ब्लूटूथ इसका हटा दिया है दोस्तों, इतना अच्छा फीचर किसी में नहीं, और बहुत सस्ता
वायरलेस माइक है दोस्तों। इसके अंदर फीचर बहुत काफी अच्छे फीचर इसके अंदर लिखे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। जो कि 30-30 हज़ार रुपए का माइक यूज करते हैं, मैं समझता हूँ उसके मुकाबले उसका कम नहीं है, उससे भी ये यूं मान लीजिए आप। और आपको ये ऑनलाइन हर वेबसाइट पे मिल जाएगा दोस्तों, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, केवल 4,500 रुपए की कीमत है इसकी। 4,500 रुपए का भी है, कहीं 4,400 रुपए का भी है, कहीं कहीं 4,600-4,700 का भी है एक, लेकिन आपको ज्यादातर 4,500 रुपए की इसका MRP 4,500 रुपए का आपको ये मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये माइक अच्छा लगा हो, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं आपको इस माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है, ताकि मैं भी आगे तक, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं भी इसी माइक को यूज करने वाला हूं दोस्तों, क्यों मैं क्यों करूंगा अब बोया का वायर वाले से झंझट खत्म, अब तो बिना वायर का यूज करेंगे दोस्तों। तो क्योंकि मैंने अभी तक ले नहीं सकता था इतना महंगा माइक, 30,000 रुपए का माइक, तो मैंने सस्ता ही मंगा लिया है, 4,500 रुपए, कोई ज्यादा नहीं आज के टाइम में। और आपके तो एक ही काफी जल्दी निकल जाएंगे यूट्यूब से, अगर यूट्यूब में अगर आपको किसी भी चीज में बहुत सारे, ये मोबाइल में भी कनेक्ट हो सकता है, आपका कैमरे में भी कनेक्ट हो सकता है, कहीं भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे सब कुछ अच्छा लगा इसका, लेकिन एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी है, मैं आपको बता दूं, ये जो इसके अंदर हेडफोन जो दिया है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अच्छे का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, ये इतना कम से कम कुछ लंबा तो होना चाहिए ना, अगर मोबाइल किसने अगर ऐसा करके आपको बना रहा तो कान में कैसे आएगी। ये सबसे बेकार है, आपको अलग से ही लेनी पड़ेगी हैंड फ्री। अगर आपको आवाज मॉनिटर करनी है, अच्छी मॉनिटर करनी है, तो दोस्तों आप इसको हैंड फ्री दूर से ही लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने भी दूर से मंगा लिया है दोस्तों, मैं भी दूर से यूज करने वाला हूँ। लेकिन इसका कोई बड़ी बात नहीं है, मेन चीज तो ये माइक है, सबसे मेन चीज बस। और अगर आपको यही यूज करनी है, ये फुई फुई यूज करनी है, फुई देखो क्या है, बाहर अगर यूज कर रहे हैं माइक तो आप इसको लगा कर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होने वाले हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय एंड टेक केयर।